सुबह 4 बजे आजादपुर सब्जी मंडी में जननायक की एंट्री होती है। सब्जी विक्रेताओं का दर्द जानने राहुल गांधी दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती हैं। ये वही सब्जी मंडी है जहां कुछ दिन पहले इस अन्नदाता के आंसुओं ने पूरे देश को रुला दिया था। हमारी गुजर नहीं हो रही, कमाएगा तो 100 रुपए का भी हिल्ला नहीं। इनका नाम रामेश्वर है, सब्जी बेचते हैं। मीडिया से बात करते करते इन्होंने रुंधे गले से कहा, हमारी गुजर नहीं हो रही, हमारी गुजर नहीं हो रही, कमाएगा तो 100 रुपए का भी हिल्ला नहीं। रामेश्वर का यह दर्द सत्ता पर बैठे मठाधीशों को समझ नहीं आएगा, लेकिन देश में एक शख्स ऐसा भी है जो अपने लोगों का दर्द समझता है। राहुल गांधी रामेश्वर जैसे सैकड़ों लोगों की परेशानियां सुनने और समझने के लिए आजादपुर मंडी पहुंच गए, सब्जी और फल विक्रेताओं से बात की, उनका हाल जाना, उनकी परेशानियों को सुना और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। राहुल इस युग के शायद पहले अकेले ऐसे राजनीतिक शख्स होंगे जो सब्जी मंडी पहुंचे हों। ठीक वैसे ही जैसे वो करोलबाग में बाइक मैकेनिक के पास पहुंचे थे, जैसे वो मुखर्जी नगर में छात्रों के हुजूम के बीच जाकर बैठे थे, जैसे उन्होंने हरियाणा के किसानों के साथ धान बोए थे, जैसे वो दिल्ली विश्वविद्यालय की कैंटीन में पहुंचे थे, झुग्गियों में रहने वाले लोगों के बीच पहुंचे थे, जब वो कर्नाटक में रैपिडो चलाने वाले के पीछे बैठे, जब वो मणिपुर के रिलीफ कैंप पहुंचे, हिंसा पीड़ितों के आंसू पोंछे, उनका दर्द सुना, उन्हें गले लगाया, शांति की अपील की। जब जब राहुल गांधी को देखता हूं तब लगता है भारत का प्रधानमंत्री बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जो सबसे मिलता है, जो सबके बीच जाता है, सबका दर्द सुनता है, जिसे मर्म पर मरहम लगाना आता है, जिसका मॉडल हिंसा नफरत और दंगों के खिलाफ है, जिसका पैगाम मोहब्बत का है, जिसकी आंखों में खुशहाल भारत के नवीन सपने हैं। राहुल ने देश को नई उम्मीद दी है। भारत जोड़ो यात्रा अब भी जारी है, भारत को जोड़ रही है, लोगों को जोड़ रही है, दिलों को जोड़ रही है। इस विशाल यात्रा की जीत यही है।